गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, यहाँ पर है मॉर्निंग का समय और यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा बरसात, और बरसात हो रही है और आज है संडे, तो बरसाती मौसम है। तो सोचा था आज क्यों ना पकौड़े बनाए जाएँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दाल के पकौड़े, और ये वो दाल है जो मूंग की दाल होती है ना, हरी वाली, खिचड़ी जिसको जिससे हम बनाते हैं, कि खिचड़ी वाली दाल बोलते हैं, तो वो वाली दाल है हरी वाली। और इसके मैं बना रही पकोड़े। इसको मैंने पहले 2-4 घंटे मैंने इसको कम से कम भिगो के रखा था, है ना, 2-3 घंटे के आसपास मैंने भिगोया था। उसके बाद मैंने इसको ऐसे चॉपर से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा दरदरा सा मैंने पीस लिया है, बिल्कुल मिक्सी में नहीं पीसती क्योंकि उसमें एकदम पेस्ट सा बन जाता है ना, फिर उससे करारे जो है पकौड़े नहीं बनते हैं। तो इसलिए मैंने इसी से मैंने इसको चॉप कर लिया है, इससे थोड़ा दरदरा सा बनता है और काफ़ी करारे पकौड़े बनते हैं। तो भिगोने के बाद मैंने इसको ऐसे दरदरा पीस लिया है, और इसके अंदर मैं 2 आलू काटूँगी, पतले पतले स्लाइस में काटूँगी, पतले ज़्यादा पतले भी नहीं, सही सही, और हरी मिर्च काटूँगी, साबत हरी मिर्च के 2 हिस्से करके ना ऐसे काट लूँगी। इसमें नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह डाल दूँगी, और प्याज भी ऑप्शनल है, डाल सकते हैं अगर जिसको डालना है। तो मुझे प्याज नहीं पसंद आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आलू डालूँगी, आलू का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मैं बनाऊंगी, और ये वाले पकोड़े ना गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही, मतलब मेरे फेवरेट हैं। बरसात होती तो मैं ये पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ, और बेसन के पकोड़े मैं कम ही यूज़ करती हूँ, इतना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, चिल्ला वगैरह मुझे खास ज़्यादा पसंद है, चिल्ला बनाती हूँ, जैसे प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं ना, तो वो भी बड़ा स्पाइसी मस्ता बनता है, सो उसके साथ खाती हूँ। फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ दाल के पकोड़े। तो गाइस प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है फुल वीडियो देखना, और आप एक बार इसी तरीके से ना ये वाले पकोड़े ज़रूर बनाना, और आपको रियली में बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। और जो जो बनाएगा ना, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाले दाल के पकोड़े ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरी फ्रेंड है एक, उसने भी ये बनाए थे पकोड़े, मुझे पता है, तो मैंने उनको कहा था कि मैं भी ये पकोड़े बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस आप मेरी वीडियो को फुल इन्जॉय कीजिएगा, फुल देखिएगा, और यहाँ देखिए मेरी बेटी बैठ गई है मेरे पास, और इसको आदत है बैठने की, पता नहीं क्यों मेरे साथ किचन में बैठ जाती है, और मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है कि मेरे साथ ना बैठे, क्योंकि गैस का काम है ना, कहीं छींट ना लग जाए पकौड़ों की या कुछ भी, पर वो मेरे साथ ही बैठती है। पर जब मैं पकौड़े बनाऊंगी तो उसको नीचे उतार दूंगी। अभी जो है कढ़ाई में तेल जो है गर्म हो रहा है, और इसमें मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं दाल के अंदर, आलू कट किए हैं, हरी मिर्च कट की है, और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च और चाट मसाला, बस मैंने इतना ही डाला है, जीरा पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। तो यही सब डाल के मैं इसको ऐसे, अब मैं देखो इसको हल्का हल्का सा ऐसे करके, ताकि सारा जो है गोल इकट्ठा हो जाए, इसमें आलू भी मिक्स हो जाए, ऐसे करके मैं इसमें सारे पकोड़े जो मैं उतार लूँगी, और ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि बाहर जो है बरसात हो रही है, और यहाँ पर मैं ये पकोड़े बना रही हूँ, और साथ में बनाऊँगी चाय, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बरसाती मौसम में ऐसी चीज़ खाने में ना कुछ अलग ही अपने आप ही ना दिल कर जाता है। तो आज हस्बैंड घर पे है, तो बरसात भी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये कर लो, वैसे मुझे कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, तो सोचा था कि पहले चलो यही बना देती हूँ, उसके बाद, ये सुबह मॉर्निंग का समय है और दोपहर को भी मुझे खाना बनाना है, तो फिलहाल अभी पहले मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो पकौड़े खाने के बाद तो हल्का ही खाना होगा, तो खाने की इतनी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि पकौड़े थोड़ा सा हैवी हो जाएंगे, तो हल्के से दाल चावल जो है मैं वही बनाऊँगी, हरहर की दाल चावल बनाऊँगी। और गाइस यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पकौड़े जो है सारे मैंने एक एक करके बना दिए हैं, और इसको मैं सिम गैस पे बना रही हूँ, ताकि जो अंदर से भी अच्छे से पक जाए, उसके बीच में मैं इसको थोड़ा सा तेज़ भी कर देती हूँ, फिर मीडियम कर देती हूँ, फिर कम कर देती हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ। और ये दाल के पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, इस बनाना ज़रूर, कसम से मेरे तो फेवरेट है। और यहाँ पर देखो साइड में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, और साइड में चाय बन रही है, पकौड़ों के साथ चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और चाय तो मैं खाने के साथ भी, अगर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ मुझे उसमें भी चाय ज़रूर चाहिए। और यहाँ देखो मेरी चाय बन गई है, तो यहाँ देखो गर्मा गर्म मेरे पकोड़े भी जो है तैयार हैं, ये मेरे हस्बैंड इधर बैठे हैं, मैं उनको दे आऊँगी। तो गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन होता है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो लाइक कर देना। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैंने नोटिस किया है वीडियो के थ्रू, मतलब व्यूज़ के थ्रू जितने व्यू होते हैं ना उतने लाइक नहीं होते हैं, कमेंट भी नहीं होते हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, तो अच्छा लगता है आपके लाइक देख के, आपके कमेंट देख के, काफ़ी ना एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है, और हमारा आगे वीडियो बनाने का ना दिल भी करता है। अगर आप अगर ऐसे करोगे, है ना, क्योंकि व्यूज़ भी मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं,
तो हमारा थोड़ा दिल सा ना बैठ जाता है, फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता यूट्यूब पे कि हम कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें अच्छे व्यू आते तो हम और खुशी खुशी ना और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का हमारा अंदर से खुद ही दिल करता है कि हम और अच्छी वीडियो लाएं और मेहनत करें। अगर आपका नहीं कोई अच्छा व्यू आता और रिस्पॉन्स आता सॉरी, तो हम काफ़ी डिमोटिव हो जाते हैं उस चीज़ से, और फिर हम बस ऐसे ही है कि मूड ख़राब हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं दाल चावल बना रही हूँ, और बरसात आ गई थी इसलिए मैं नेक्स्ट डे ही कपड़े जो है मैं धोऊंगी, अब नहीं धोऊंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है दाल चावल मेरे बन गए, और यहाँ पर मैं बच्चों को देने जा रही हूँ दाल चावल, क्योंकि मैंने बताया आपको पकोड़े खाने के बाद हम दाल चावल मैंने बनाए थे, क्योंकि यही ठीक था हल्का खाना और दाल चावल अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर करने के बाद गाइज मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है और यहाँ मैं धो रही हूँ कपड़े। पहले सोचा था कि मैं कल धो दूंगी, पर सोचा था फिर नहीं आज ही धो देती हूँ, संडे है, अब काम मेरा दोपहर तक हो ही गया है तो मैं आज ही कपड़े धो देती हूँ, और इसलिए मैंने मशीन लगा ही दी। पहले सोचा था कल धोऊंगी, फिर सोचा था नहीं यार धो ही देती हूँ, बच्चों को स्कूल जाना है मंडे को, तो कपड़े भी थोड़े से उनके गंदे ही थे, तो सोचा था मशीन में ही धो ही देती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी देखो जी आ गई है, और मेरे को इतने पसीने आ रहे थे, इतने पसीने आ रहे थे, क्योंकि बरसात होती है ना तो जो ज़मीन है वो भी अपनी मतलब उनमें जब पानी जाता है बरसात का, तो वो गर्मी और उसमें से निकलती है, जो भी धरती माता की जो गर्मी होती है, कहते हैं काफ़ी गर्मी होती है ना ज़मीन में अंदर, तो बरसात होती है तो वो भपका सा निकलता है ना, तो वो ही हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मेरे को पसीने आ रहे थे काम करते हुए, जबकि यहाँ फ़ैन है, फ़ैन चला रखा था फिर भी गर्मी लग रही थी। और यहाँ मैं थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जैसे और कपड़े होते हैं उतने कपड़े नहीं थे, तो यहाँ पर मैं मशीन लगा रही हूँ और यहाँ कपड़े एक एक करके मैं डाल रही हूँ, वही चेक कर रही हूँ मैं पैंट वगैरह, ताकि इसमें कुछ पैसे वगैरह ना हो, क्योंकि मशीन में कॉइन वगैरह जो होते हैं ना अड़ जाते हैं, और उसकी वजह से मशीन भी काफ़ी ख़राब होने का डर रहता है। और यहाँ पर मेरे कपड़े जो हैं वो हो गए हैं, बस निचोड़ने का रह गया था, और यहाँ मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ। और गाइज यहाँ पर पता है कि आपको काफ़ी ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना मेरी बेटी शूट कर रही है, क्योंकि काफ़ी सीन होते हैं जो मुझे नहीं लेने होते, पर मेरी बेटी जो है ना कैमरा लेके, उसको काफ़ी शौक है बनाने का वीडियो, कि मम्मा मैं वीडियो बनाऊँ बनाऊँ, मैं कहा चलो कोई बात नहीं बना लो, तो मैंने सोचा था कि अच्छे से बनाएगी, पर उसने देखो वीडियो सारे ही ख़राब कर दिया, काफ़ी ब्लर वीडियो कर दिया है, क्योंकि वो भी छोटी है, उसको इतनी नहीं आता है, बस उसको शौक है बनाने का। तो गाइज इसके लिए सॉरी, वीडियो क्लियर नहीं है, आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप लोगों को भी अगर वीडियो क्लियर ना हो तो, है ना, तो ये बच्चे ने बनाई है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना चैनल को यार, हमारी मेरी पूरी फैमिली बेचारी मेरे साथ लग जाती है ना, बच्चे भी काफ़ी बेचारे करते हैं कि वीडियो बना देते हैं मम्मा की, मम्मा को हेल्प मिल जाएगी। और ये देखिए बाहर भी आपको दिख रहा होगा, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, बस बरसात वाला मौसम हो रहा है, काफ़ी बरसात अभी भी होके रुकी है बरसात, और फिर से हो गया है मौसम, तो बस सारा दिन मौसम तो ऐसे ही ख़राब रहेगा, क्योंकि अभी तो चल रहा है ना रेनी रेनी सीज़न चल रहा है, तो अभी तो कहते हैं कि 1-2 महीने और बरसात रहेगी, तो बस है ऐसे ही है, बस ऐसे ही काम चलता रहेगा, बरसात होती रहेगी, पर बरसात में ये होता है कि मुझे कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब एक फ़ायदा भी है बरसात होती है तो अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है, क्योंकि बरसाती मौसम ना अच्छा लगता है ना, पर पता नहीं क्यों एक यहाँ पर मैं होती हूँ कि मुझे कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं यहाँ जो कपड़े अपनी गैलरी में ही मैंने रस्सी बांध रखी है, तो मैं अपनी गैलरी में ही कपड़े सुखाऊंगी, ये जितने भी मैंने धोए हैं, क्योंकि बाहर तो मैं सुखा नहीं सकती, क्योंकि बाहर हो रही है बरसात, बाहर बरसात हो रही है इसलिए मैं इधर ही धोऊंगी, और यहाँ नहाने के बाद मैं फिर से ना पूरी गंदी हो जाती हूँ, गिल्ली हो जाती हूँ पूरी, तो इसलिए मैं दोबारा से ही अपना थोड़ा धो मगे डाल के कपड़े चेंज दोबारा से करूँगी, क्योंकि दोपहर को नहाने के बाद फिर से कपड़े धोए हैं मैंने, तो यही ऐसा ही बुरा हाल हो गया है सारे, मैं भीग गई हूँ, तो दोबारा से मैं करूँगी। यहाँ देखो मेरी बेटी मेरे साथ, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो उसको नहाने लग जाती है, वो पाइप लगा होता है ना, क्योंकि वह ठंडा ठंडा पानी आ रहा होता है, डायरेक्ट मोटर से मैं कपड़े धोती हूँ तो मेरे साथ नहाने लग जाती है, कहती मम्मी मैं नहा लूँ, मैं कह चलो नहा लो, मैं कपड़े धोती हूँ और इधर मेरी बेटी नहा रही होती है, और साथ के साथ वो मेरी वीडियो भी बना रही होती है, और मेरे कपड़े जो है फाइनली सारे हो गए हैं, उसके बाद ये जो है मैं वाइपर वाइपर मार रही हूँ वो सारी जगह, ये वाइपर मैं थोड़ा नया लेके आई हूँ, पहले वाला वाइपर था वो मेरा टूट गया था, अब की बार वाइपर ये थोड़ा मजबूती का है तो देखो शायद नहीं टूटेगा, और यहाँ पर मेरा वाइपर जो है लग गया है, और फिर से वीडियो वही ब्लर आ रहा है, क्योंकि गुड़िया मेरी जो है वीडियो बना रही है, उसको नहीं आता है बनाना, तो उसके लिए सॉरी गाइज। तो मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसे ही हो गया कि वीडियो क्लियर नहीं हो पाता है, ऐसे ही इसमें वीडियो आता है, तो चलो अच्छा है, आई होप आपको मेरी ऐसी वीडियो भी अच्छी लगती होगी,
और अच्छी लगती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और यहाँ देखो, यहाँ पर मेरी बेटी ने, मैं यहाँ भी नहा ली थी दोबारा से। मैंने बताया था कि मैं गीली हो गई थी और सारे कपड़े धुल गए थे, उसके बाद मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ। और कपड़े सुखा रही थी क्योंकि नहाने के बाद ही मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि मैं पूरी गीली थी ना, तो पोछा वगैरह पूरा लग गया था, वाइपर लग गया था। अगर गीले में दोबारा कपड़े सुखाने लग जाती ना अंदर से, तो पूरा जो मेरा घर है गीला गीला हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद जो है मैं कपड़े सुखाऊंगी। तो इसलिए यहाँ करने के बाद थोड़ी देर मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाए हैं। और यहाँ पर जो है मेरा बेटा वीडियो शूट कर रहा है मेरी। कभी मेरा बेटा हाथ ले लेता है, कभी मेरी बेटी ले लेती है वीडियो बनाने के लिए। इनको इतना शौक चढ़ा रहता है वीडियो बनाने का, तो मैं क्या, अगर वीडियो बनाते तो बेटा साफ तो बनाया करो। मतलब क्योंकि मैं वीडियो उस वक्त मैं काम कर रही होती, उस वक्त मुझे नहीं पता इन्होंने क्या ही मतलब रायता फैलाया है वीडियो का, तो मुझे तो पता नहीं होता। जब बाद में देखती हूँ तो पता चलता है, एडिट कर रही होती तो बच्चों ने क्या ही किया। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो। अब मैंने काटा भी नहीं कि काटूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे वीडियो देख देखे कि मम्मा हमने जो बनाया था आपने सब काट दिया। तो यह मेरी छोटी सी गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से वीडियो मेरी बना रही है। तो गाइज़ आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। जिसने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है ना, उसको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे लास्ट तक वीडियो देखता है ना, और कमेंट उसी के अनुसार करता है, वीडियो के अकॉर्डिंग करता है, फुल वीडियो देखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली में। आपके लंबे लंबे जिनके भी कमेंट आते हैं ना, तो उसे पता चल जाता है लोगों ने फुल वीडियो। तो गाइज़ अभी मैं काम करके एकदम फ्री हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो में लाइक बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, और कमेंट करके भी बताया करो कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और जो भी न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्योंकि कई लोग हैं बिना सब्सक्राइब करे ही देख लेते हैं और फिर बाद में स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसका कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चीज़ नहीं लगती है। सो प्लीज़ आप लोग कर दिया करें। अगर हाँ कुछ अगर तुम्हारा पैसा वगैरह लगता हो तो मैं आपको नहीं फोर्स करती, प्लीज़ ऐसे कह रही हूँ कि मुझे पता है अगर आप मतलब इतना सा तो कर सकते हो कि आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ कर देना अगर जिसने नहीं किया है, जिसने फर्स्ट टाइम विजिट किया मेरे चैनल को, और जिसने कर रखा है उसको थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखना। बरसात हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, पर अपना बहुत सारा ध्यान रखना। बाय बाय।